भक्त का सवाल और प्रभु का बहुत प्यारा सा जवाब, आखिर क्यों नहीं आते प्रभु बचाने हर बार। राधे राधे दोस्तों, यह कहानी है एक भक्त के विश्वास की, अपने प्रभु पर सच्ची आस्था की। एक महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर जिंदा जला दिया। इससे एक सच्चे भक्त का हृदय टूट गया, वह निराश हो गया। उसके मन में सवाल आने लगे कि जब कभी किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, जब किसी निर्दोष की हत्या होती है, तब भगवान उसे बचाने क्यों नहीं आते हैं? ऐसे अनर्थ को होने से वे क्यों नहीं रोकते हैं? इन्हीं सवालों से वह बहुत विचलित हो गया। उसके मन में बार बार प्रश्न उठने लगा कि जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बचाने आ सकते हैं, तो बाकी जरूरतमंदों को बचाने क्यों नहीं आते हैं? उस रात उस परम भक्त के स्वप्न में आकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो संदेश दिया, वह सभी भक्तों के मन में उठ रहे ऐसे प्रश्नों के संशय को दूर कर उनके मन को सुख और प्रसन्नता से भर देगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं चाहूं तो इस समस्त संसार के हर व्यक्ति को जीवन की हर मुसीबत से बचा कर रख सकता हूँ, परंतु मेरा ऐसा करना इस प्रकृति के खिलाफ होगा, क्योंकि इस धरा पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव को अपना जीवन स्वयं जीना होता है। मैं उन्हें लड़ने की ताकत देता हूँ, परंतु लड़ना तो उन्हें खुद ही सीखना होगा। अगर मैं हर इंसान की मुसीबत पड़ने पर मदद करने पहुँच जाऊँगा, तो क्या वह हालात से लड़ने के लिए मजबूत बन पाएंगे? क्या उनमें वीरता आ पाएगी? अतः अपने बुरे हालात को टक्कर देने के लिए उन्हें खुद ही ताकतवर बनना होगा। मुझ पर रखा विश्वास उन्हें लड़ने की प्रेरणा देगा, परंतु लड़ना तो उन्हें स्वयं ही होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हम सबको भी यही सीख देता है कि हमें अपने कर्म स्वयं ही करने होंगे। अपने और अपनों की संपूर्ण सुरक्षा के तमाम प्रयास भी हमें खुद ही करने चाहिए, मेहनत स्वयं ही करनी चाहिए और उस परम शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए कि जब कोई नहीं आता, तब वह किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्णा।